अरे बे हमारे ब्रेक नहीं बे, अबे रोक बे इसको, इधर पुल भी है और रुको। हेलो दोस्तों, आपको हमारे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि शुभम और सोनू है। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों आज हम लोग का कुछ ऐसा प्लान है, मेरा क्या सोनू का प्लान है कि आज हम लोग निकल गए हैं घर से कि जब तक हम लोग थकेंगे नहीं साइकिल से घूमते ही रहेंगे। तो हम लोग घर से निकल भी चुके हैं और घर से लगभग हम लोग 5 से 8 किलोमीटर दूर भी आ चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक चल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग घूमते घूमते पता नहीं कौन से नर्क में कहाँ पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप दृश्य देख ही रहे होंगे, ये तो पूरा का पूरा हमको थोड़ा अजीब ही लग रहा है। सुबह में कहा, अरे बे हमारे ब्रेक नहीं बे, अबे रोक बे इसको, अबे सही में ब्रेक नहीं है। दोस्तों साइकिल रुक नहीं रही है हमारी और इधर इधर पुल भी है और रुको। यहाँ पे सोनू और शुभम भी आ चुके हैं, अब हम लोग कुछ समय यहाँ पे रुकेंगे। तो दोस्तों हम लोग घूमते घूमते पता नहीं कौन से नर्क में चले आए। जो कि आप देख ही रहे होंगे, देखिए ये नदी टाइप में लग रहा है, यहाँ पानी बह रहा है। हम तो सुने हैं मरने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हम लोग पहले ही पहुँच चुके हैं भाई। वहाँ पे दो बंदे गाइस बैठे हैं, हम लोग को बुला रहे हैं। ये उधर पे वहाँ पे दो बंदे बैठे हैं, हम लोग को बुला रहे हैं कि आइए हमारा भी फोटो ले लीजिए। अभी वहाँ पे हम लोग चलते हैं। इधर अजीब सा जानवर दिख रहा है, क्या तुमको दिख रहा है? कौन सा जानवर है? अरे हाँ यार, वो कुछ 12 सिंगा लग रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ना स्टार्ट करके आज हरेंद्र को मैंने दिया था, थारा भाई हरेंद्र। थारा भाई हरेंद्र आज वीडियो स्टार्ट किया है, तो अभी कैमरा मुझे दे दिया है, अभी वो मजा कर रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, ये थोड़ा नदी बह रही है और इधर आप पीछे देख सकते हैं थोड़ा सा सरपत टाइप में है, जमा हुआ है। और बस यहाँ पे कुछ है नहीं, यही खास है चीज। हम लोग का प्लान क्या था, आज हम लोग सोचे थे कहीं घूमने निकल लेंगे अच्छी जगह, लेकिन हरेन ने अपने एक फ्रेंड के, उसका घर था इसका फ्रेंड का, तो इसने बोला चलो उधर ही हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसका फ्रेंड तो मिला नहीं हम लोग को, बट इधर हम लोग घूमने चले हैं उसके फ्रेंड के घर के पास ही, कुछ ऐसा तालाब जैसा है, नदी है, बह रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टार्ट कर दें, कुछ जो खास दिखेगा आपको हम लोग दिखाएंगे। तो गाइज मैं इधर से साइकिल लेकर जा रहा हूँ, इधर से अभी नदी के ऊपर से रास्ता है एक, और हम लोग वहां से, वो सोनू और वो तुम्हारा थारा भाई हरिंदर खड़ा है। अपनी साइकिल यहाँ पे मैं पार्क कर देता हूँ। ये सोनू का और थारा भाई हरिंदर का साइकिल, और यहाँ पे कुछ लोगों ने बांध जैसा कुछ बनाया है, वही हम लोग देखने के लिए चल रहे हैं अभी। और अभी का टाइम समथिंग 2:40 या 2:45 हो रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ के लोग मछली मार रहे हैं बांध जैसा बना के कुछ लकड़ी का, क्या है रेंद्र? हाँ यार, ऐसी व्यवस्था तो यार पूरी गजब है यार। दोस्तों ये बांस की फट्टी वगैरह लगा के और यहाँ पे मछली मारने का, ये तो व्यवस्था काफी अच्छा है। दोस्तों आप देख रहे होंगे दोनों लोग कितने सीरियस होके इस व्यवस्था को इन लोग देख रहे हैं, मछली पकड़ने का जैसा इन लोग कभी नहीं देखे हो ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अपने एक भाई मछली पकड़ रहे हैं। कौन सी मछली? प्यासी है, रोहू है। प्यासी रोहू करके बता रहे हैं, पता नहीं कौन सी मछली है। दोस्तों हमें यहाँ बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा है, नहीं तो पता नहीं कब हमारे पैर से केक कट जाए। काफी, क्योंकि यहाँ पे केक काफी है। अब हम लोग लगभग आधे घंटे रुकने के बाद अब हम लोग आगे जा रहे हैं, जैसा कि सोनू और शुभम आप देख ही रहे होंगे, सोनू और शुभम को व्लॉग बना रहा है तुम्हारा थारा भाई हरिंदर। यहाँ तो छोड़ के मत भागो यार, मैं तो घर पे भी नहीं पहुंचूंगा यार, इधर तो गजब ही है यार। तो भाई हम लोग को लगता है हम लोग मोहन जोदड़ो की सभ्यता में आ चुके हैं। उन लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना। क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक विकास नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है हम लोग को, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पे दो कन्याएं धान पीट रही हैं।
समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब भाई हम लोग को इधर से रास्ता ही नहीं पता चल रहा है कि हम लोग को जाना कहाँ पे है। तो गाइस हम लोग अपनी बाइक चलाते हुए 999,909 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। ओह माय गॉड, और भाई साहब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोग को जाना कहाँ है। और एक ये लगता है हम लोग को ऋषि मुनियों के विश्राम का स्थल है, और हमने वहाँ पे अपनी साइकिल पार्क की है वहाँ पे। और ये हरेंद्र काफी थक चुका है, थारा भाई हरेंद्र काफी थक चुका है, और ये सोनू है। भाई साहब इन लोग को तो इन लोग की बत्ती गुल हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं, अब हम लोग सोचेंगे घर चलेंगे। और तुम सोनू? भाई हम तो एकदम थक चुके हैं। तुम एकदम थक चुके हो भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है। इतना थक चुका है, इसका पानी पानी हो गया है। तो दोस्तों हम लोग को काफी थकान हो गया है, जैसा कि मैंने बताया 999,000 किलोमीटर हम लोग दूर आ चुके हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अपने सामने एक गड्ढा दिख रहा है जो काफी रंग बिरंगा दिख रहा है मुझे, और ये मुझे लग रहा है संत कबीर जी यहाँ पे अपने तालाब में स्नान करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं। मजा आया दोस्तों, हम लोग यहाँ काफी देर रुकने के बाद मस्ती भी की है और यहाँ बैठ के आराम भी किए, तो हम लोग सोच रहे हैं अब हम लोग घर जाएं। और ये हम लोग की बाइक आपको दिख ही रही होगी, ये शुभम की पल्सर है और सोनू की राजदूत, ये वाली मेरी पल्सर है 220 KTM, और ये राजदूत आपको दिख ही रही होगी। तो दोस्तों हम लोग अपने अपने बाइक से अब चल रहे हैं घर पे और देखते हैं कब पहुंचेंगे। और दोस्तों हम लोग पूरी तरह से पहली बार थक चुके हैं, इसलिए हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग घूमते घूमते काफी फेमस और काफी प्रसिद्ध एक बाबा के यहाँ पहुंच चुके हैं, जो कि उनका नाम है चॉकलेटानंद बाबा। क्या तुम लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? वो काफी फेमस है, हम लोग वहाँ से आए तो हम लोग को रास्ते में कोई बताया कि आगे चॉकलेटानंद बाबा पढ़ते हैं। को जरा सबर करो। और वो काफी फेमस बाबा है चॉकलेटानंद बाबा, और वो इस आश्रम में रहते हैं जो कि आप पीछे देख रहे हैं, पर्दा ग्रीन कलर का पर्दा लगाया हुआ है, और हम लोग को यहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग नहा के नहीं आए तो दोस्तों अगर आप लोग न्यूज़पेपर अखबार कुछ भी पढ़ते होंगे तो उसमें जरूर चॉकलेटानंद बाबा का जिक्र रहता होगा, तो शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसे चॉकलेटानंद बाबा के बारे में ना पता हो। तो यही है उनका, चॉकलेटानंद बाबा की जय। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया चॉकलेटानंद बाबा के बारे में, अगर आप इधर पे जरूर आइए तो चॉकलेटानंद बाबा का दर्शन जरूर करिएगा। तो दोस्तों हम लोग नहा के नहीं आए हैं, हम में से तीनों में से कोई नहा के नहीं आया है, और इसीलिए हम लोग हमको बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो हम लोग बाहर से ही बाबा चॉकलेटानंद का नाम ले लिए, समझ लीजिए उनका दर्शन हो चुका है, और हम लोग आगे जाके भी चॉकलेट ले लेंगे। और इसीलिए चॉकलेट के नाम से इनको चॉकलेट चढ़ाया जाता है काफी मात्रा में, इसीलिए इनको चॉकलेटानंद बाबा के नाम से काफी फेमस है। और तो यहाँ का दर्शन हम लोग कर ही चुके हैं, वो ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है आप देख ही रहे होंगे। रुको 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 रुको, एक बात और, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, एक बार फिर से बोलो चॉकलेटानंद की जय।